नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कई सारे मुद्दे इन दिनों देश में उठ रहे हैं। चीन का मुद्दा उठ रहा है, दीपिका पादुकोण की बिकनी एक राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। साधु संत साध्वी भी इस मुद्दे पे कूद गए हैं। लोकसभा में और राज्यसभा में हंगामा चल रहा है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित क्यों नहीं है, देश बयान क्यों नहीं दे रहा। मीडिया को बड़े बड़े औद्योगिक घराने हड़पने के लिए लगे हुए हैं। NDTV गोदी सीटें ले लिया है। देश में गरीबी लगातार बढ़ रही है। 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी देना पड़ रहा है। GDP नीचे है, व्यापार घाटे में है, किसान परेशान है और राष्ट्रीय विमर्श किन्हीं और मुद्दों पे बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगा ये सारी बातें मैं किससे करूं। मेरे पास जितनी जानकारी होती थी मैं आपको बता दिया करता था। फिर मेरे दिमाग में एक ऐसे शख्स का नाम आया जिनको मैं मानता हूं कि मेरी जिंदगी में जो आइडियल किस्म के लोग हैं उसमें शायद 1, 2 या 3 लोग हैं, उसमें एक नाम था। और मैं बिल्कुल ईमानदारी से आज आपके सामने कह सकता हूँ कि इस लेवल की पत्रकारिता की ईमानदारी शायद मैंने अभी तक देखी नहीं होगी। क्योंकि शीर्ष पर जब व्यक्ति पहुँचता है उसके बाद वो अपनी खबरों में इतना तटस्थ रहे और इतना पढ़े लिखे, मतलब मैं भी अपने आप को भी मानता हूँ कि मैं शायद 5% भी नहीं हूँ जिस शख्स से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। अगर इतना योग में अगर 5% मान लीजिए मेरी क्षमता है, अगर मैं 80% पहुँच जाता तो मैं कितना क्रांति कर सकता था। एक ऐसा पत्रकार जिससे आप किसी भी विषय पर बात कर सकते हो, आप किसानों की बात कर सकते हो, आप व्यापार की बात कर सकते हो, मीडिया की बात कर सकते हो। और देश की पत्रकारिता को उन्होंने कैसे बदला, इसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ। देश की सबसे ताकतवर संस्था कह सकते हैं आप मीडिया की, ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन, मतलब देश के जितने TV चैनल आप देखते हैं इन चैनलों के संपादकों की एक संस्था है जो कि तय करती है भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या अच्छा होना चाहिए, क्या बुरा होना चाहिए। उसके 10-15 सालों तक जो आदमी जनरल सेक्रेटरी रहे और उसके बाद में एक बड़ा डिसीजन जिसने देश की मीडिया में तहलका मचाया वो सुधीर चौधरी जी का था। एक स्टिंग ऑपरेशन में वो पकड़े गए, आज तक चैनल में मीटिंग हुई और जिन शख्स से मिलवा रहा जा रहा हूँ उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के नैतिकता के मापदंड पे ये नहीं आते, इनको इस संस्था से अलग कर देना चाहिए। बहुत बड़ा फैसला था। ऐसे तमाम बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं जिंदगी में अपने, जिनको पूरी दुनिया जानती है, दुनिया लिखती है, दुनिया पढ़ती है, दुनिया समझती है उनको। विकिपीडिया कहे जाते हैं पत्रकारिता के। और मैं अब नाम भी बता दे रहा हूँ, NK सिंह जी मेरे शो पे कभी कभी आते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आ जाते हैं कभी कभी। तो मुझे लगा आज मैं उनसे बातचीत करके देश को समझने की कोशिश करूँ, मुलाकात कराता हूँ, सुनिएगा उनकी बातें। शुक्रिया NK सिंह सर, मैं आपको अधिकार पूर्वक कभी कभी आपसे टाइम छीन ही लिया करता हूँ। आज मुझे बहुत सारे मुद्दे थे मुझसे बातचीत करने के लिए। देश में जो विमर्श चल रहा है वो कहीं हटके पिछले 3 दिनों से पठान पिक्चर पे रुक गया है। और मुझे दुख ये भी हुआ कि तमाम साधु संत साध्वी की भाषा ये है कि दीपिका पादुकोण ने ये बिकनी क्यों पहनी, इस रंग की क्यों पहनी। तो मैंने एक जगह ट्वीट किया भी एक संत को कि आप कहाँ भगवान की पूजा पाठ छोड़ के महिलाओं के कपड़े पहन के हुए हैं। लेकिन देश में जिस तरह की बहस चल रही है और कल फीफा वर्ल्ड कप में जो दुनिया का सबसे ज्यादा ब्रांड वाला खेल है उसमें इन दोनों को, शाहरुख को दीपिका को सम्मानित किया गया, ये क्या बहस जानबूझ के कराई जाती है? इस तरह की बात, इस तरह का विमर्श पैदा किया जाता है और क्या पीछे इसकी साजिश होती है? क्यों ऐसी बातों पर देश उबलने लगता है? संजय, बहुत इसमें व्यापक रूप से हमें बताना पड़ेगा इसके मूल में क्या है। आप सिर्फ इसी की बात क्यों कर रहे हैं? अभी दीपिका की बिकनी का मुद्दा चल ही रहा है कि कर्नाटक सरकार ने आज अचानक ये अनाउंस किया कि साहब हलाल मीट कर्नाटक में नहीं बिकेगा। आप जरा सोचिए कि किस तरह से एक जन भावना को उद्वेलित किया जा रहा है। ये कौन सा मुद्दा है, हलाल होगा कि हराम होगा, मटन कैसा होगा, काटा कैसा जाएगा, यह भी क्या किसी सरकार का मुद्दा हो सकता है? बिकनी क्या किसी समाज का मुद्दा हो सकता है कि उसका रंग कौन सा है? और उसमें आज मुस्लिम कुछ उलेमा कूद गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब ये भगवान रंग नहीं है, ये चिश्ती रंग है, ये तो हमारे मजहब के खिलाफ है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है इसके पीछे एक अमेरिकन सटायरिस्ट थे, उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही थी डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी इज ए पैथेटिक बिलीफ इन कलेक्टिव विजडम ऑफ इंडिविजुअल इग्नोरेंस। इसका मतलब यह हुआ, उन्होंने जो कहा था कि डेमोक्रेसी एक ऐसा
बेचारगी वाला विश्वास है किस चीज में? जो जनता अज्ञानी है उसके सामूहिक विवेक पे भरोसा करना, यही डेमोक्रेसी है। भारत में बिकनी पे अगर दंगे हो सकते हैं, भारत में अगर हलाल हो कि हराम हो बीट, इस पे सरकार मुब्तला हो सकती है, सरकार इंगेज हो सकती है, कानून बना सकती है, देश के पार्लियामेंट पे इस बात पे चर्चा हो कि सुप्रीम कोर्ट केसेस कौन से ले, ये क्यों कर रहे हैं और क्यों सफल हो जा रही है, इसके पीछे एक कारण है। जब तक संजय शर्मा, एनके सिंह और अभी जिसका नाम लिया आपने रवीश, ये लोग मासेस को कन्विंस नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि मासेस इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं। मुझे कोई वोट नहीं चाहिए, हम नेता नहीं के कहेंगे कि नहीं मासेस बड़ी ज्ञानी है, वोटर के आप जनता की समझ पे वो कर रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे। जनता अज्ञानी है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, लिहाजा ये आसान पड़ता है सत्ता के लिए। आप जरा सोचिए, सदन में होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे आप चले जाइए, 2016 से 2021 31 जनवरी तक, 2016 से ध्यान रखिएगा, इन वर्षों में अंडर ट्रायल की संख्या 45.6% बढ़ी। अंडर ट्रायल रेट ऑफ कन्विक्शन 9.4% कम हो गया है। मतलब कि आपका पुलिस, आपकी पुलिस मुर्गे की तरह किसी को पकड़ के जेल में ठूस देती है। चर्चा तो इस पे होनी चाहिए कि, और रेट जब कोर्ट जाता है केस तो छूट जाता है, रेट ऑफ कन्विक्शन इन 5 सालों में घटा है और अंडर ट्रायल 1.5 गुना हुए हैं। आप जरा इसकी गरिमा समझे, सामान्य जनता नहीं समझेगी, लेकिन संजय शर्मा को यह समझना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो जर्नलिस्ट वर्ग है एक बड़ा, वो पढ़ा लिखा बहुत कम है, वो रिपोर्ट्स नहीं पढ़ता, वो एनसीआरबी के रिपोर्ट को गौर से नहीं देखता, और यही नहीं, किसानों के बारे में कोई रिपोर्ट है, सरकारी दस्तावेज है, हम सिर्फ सरकारी दस्तावेज की बात करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये हम लोग की कन्विंस करने की समाज की कैपेसिटी, क्यों कोई एक मोदी कन्विंस कर लेता है, झूठ भी बोल के कर लेता है, क्यों कोई एक सरकार लगातार 8 साल से झूठ बोल के कन्विंस कर ले रही है और हम सच बोल के नहीं कर पा रहे, गलती किसकी है? इसलिए कि हमारे में वो कुवत नहीं, वो सलाहियत नहीं है कि हम आंकड़ों से अपने लॉजिकल ब्लॉक बना के और तर्क वाक्य अपने सही रख के उनको कन्विंस करें। ये आपके लिए एक चैलेंज है, ये मेरे लिए एक चैलेंज है कि क्यों अंडर ट्रायल, जिस समाज में अंडर ट्रायल, और जानते हैं कितने हैं देश की जेलों में, अगर आप पूरा देखेंगे तो 80% अंडर ट्रायल है। मतलब हर 5 आदमी जो बंद है उसमें 4 बेचारा अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल में वो है जिसको, जो चार्जशीट नहीं हुआ है, अंडर ट्रायल वो है मुर्गे की तरह उठा के बंद कर दिया जेल में, वो गरीब है, वो जमानत के लिए वकील साहब नहीं कर पाता है, वो बंद है। चर्चा किस पे होनी चाहिए? चर्चा इस पे होनी चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है और आपका मंत्री अभी राजस्थान के एक तकरीर में उसने कहा, साहब ये जो जुलाई से है ना, जून से हर महीने 15 लाख नौकरियां आ रही हैं, हम लोग परेशान, खास करके संतोष मेहरत्रा ऐसे जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो जो इसको बड़े गौर से देखते हैं, हम लोग भी थोड़ा बहुत देखते हैं कि ये साहब 15 लाख नौकरियां अचानक कहां से गई। तो उन्होंने कहा साहब ये ईपीएफओ जो होता है प्रोविडेंट फंड का, उसकी संख्या बढ़ रही है। दरअसल ये बढ़ रही है फॉर्मलाइजेशन से। क्या होता है वो एक फॉल्टी आंकड़ा है जो सरकार, और आपको एक चीज बताए, बड़ी बढ़िया एक बात किसी जमाने में कही गई थी किसी बड़े, इसको जोनाथन स्विफ्ट ने कही थी जो कि बहुत बड़े एक स्कॉलर हैं। उन्होंने कहा था कि एक झूठ को अगर आप एक घंटा टंगे रहने दें, अगर वो जनमानस में चला जाए तो उसको जनमानस से निकालना नामुमकिन होता है। तो उस मंत्री ने कह दिया कि साहब हर महीने 15 लाख नौकरियां आ रही हैं,
जब पता किया गया तो वो ईपीएफओ का था, और ईपीएफओ में जो होता है वो जॉब फॉर्म भारत में है क्या, 93% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, ये जो आप काम करना देखते हैं, वो बनिया, वो जो आपके दुकानदार है उसके यहाँ काम करता है, ठेले पे खोमचे वाले के यहाँ है, वो फैक्ट्री में है तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, वो शाम को आता है, सुबह आता है, शाम को चला जाता है, उसको कोई दस्तावेज नहीं दिए जाते हैं। 93% ऐसे लोग हैं, इन फॉर्मलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। तो अब ये धीरे धीरे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया है, आपको जीएसटी की वजह से मजबूरी है आपकी फॉर्मलाइज करना, वरना आपका माल नहीं बिकेगा, इसकी वजह से वो ईपीएफओ में रजिस्टर करते हैं। ये वजह है कि वो नंबर बढ़ा है, लेकिन सरकार ये कह के निकल गई, और आप जैसे किसी पत्रकार ने नहीं उसको क्वेश्चन किया, हमने कभी नहीं किया, तो आप समझते, संतोष मेहरोत्रा वगैरह कर रहे हैं, अरुण कुमार कर रहे हैं, लेकिन ये मासेज में नहीं जाता है, तो ये हमारी, ये रविश की जिम्मेदारी, ठीक बात, सिर्फ गरीबी दिखाने से नहीं होगा, गरीबी वो कन्विंसिंग तरीके से बताइए। मैं जर्नलिज्म में यही इंट्रोड्यूस करना चाहता था कि कम से कम आप फैक्ट लेके गहरी रिपोर्ट को पढ़ें, और उसको पढ़ के जॉब कैजुअलाइजेशन क्या होता है, जॉब फॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जो तमाम पैरामीटर्स हैं वो क्या होते हैं, जब आप ये करके मासेस को कन्विंस करेंगे, तो कोई, आप सोचिए क्या हमसे बहुत मेरिट है, संतोष मेहरोत्रा, अरुण कुमार, एनके सिंह, संजय शर्मा, इनसे ज्यादा मेरिट है सरकार में बैठे मंत्रियों की, कि ये कन्विंस कर ले रहे हैं, वोट पे वोट लेते जा रहे हैं, क्या वजह है, इसलिए कि हम मासेस को कन्विंस नहीं कर पा रहे। तो दूसरा आंकड़ा ये था, अब जरा गौर कीजिएगा, एक तरफ अंडर ट्रायल को मुर्गे की तरह आप जेल में डाल रहे हैं, और अधिकांश उसमें गरीब होते हैं, सरकार के खिलाफ बोलने वाले होते हैं, उनको डाल रहे हैं, और देश का कानून मंत्री कह क्या रहा है संसद में, उसको जरा उसकी वो हिमाकत देखिए, वो कह रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट को छोटे छोटे केसेस नहीं लेने चाहिए, इसी से तो वो हो रहा है, प्रेडेंसी बढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए वो एक अदना सा मंत्री बता रहा है, और वही क्यों कर रहा है, राज्यसभा के अध्यक्ष भी उस पे कह रहे कि साहब कॉलेजियम सिस्टम गलत है, एक पूरा कंसर्टेड एफर्ट चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अंगूठे के नीचे ले आओ, एक ही संस्था बची हुई है, आखिर ये क्यों नहीं आ रही हमारे अंगूठे के नीचे, लिहाजा ये कहा जा रहा है कि अरे साहब आपकी प्रेडेंसी तो इसलिए है कि आप छोटे छोटे केसेस लेते हैं जमानत के। अब जरा सोचिए, जिस देश में अंडर ट्रायल 1.5 गुना बढ़ गए हो, उसमें क्या करे सुप्रीम कोर्ट, आप अपनी हेकड़ी दिखा के दरोगा जी को भेज के किसी को बंद करवा रहे हैं, चुनाव आता है तो ईडी भेज के किसी को, आप दूसरी पार्टी वाले को पकड़ लेते हैं, और डील ये होता है कि मेरी तरफ आ जाओ, कुछ नहीं होगा, और नहीं आओगे तो ऐसे ही छापे पड़ते रहेंगे, जानते हैं रेट ऑफ कन्विक्शन कितना है पीएमएलए के केस में, 1% से कम है, हमें आपको अजीत अंजुम रवीश कुमार इन सबको मिलके ये कन्विंस करना पड़ेगा कि पीएमएलए जिसमें कि रेट ऑफ कन्विक्शन 1% है, 99% छूट जाते हैं, लेकिन दहशत सरकार की ये रहती है कि साहब ईडी का छापा पड़ेगा हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, लिहाजा वो पार्टी बदल देता है एन चुनाव के वक्त पे। मुद्दा तो ये होना चाहिए कि हलाल और झटका होना चाहिए, ठीक बात है, तो बिल्कुल ठीक हमारे बात है। पत्रकारों से ये शिकायत है कि वो गहराई से रिपोर्ट्स को पढ़े और उनको एक लॉजिकल ब्लॉक में रखे, कोई बहुत मकबूल हो जाता है, उसकी व्यूवरशिप बढ़ जाती है, उसकी उसके वेबसाइट, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे दिलचस्पी इसमें है कि हम समाज की उस सोच को बदल पाए, और सोच को बदलने के लिए आप जानते हैं कि भारत में हमें एक दूसरे तरह का मेहनत करना पड़ेगा, उसके पहले नहीं बदलेगा, उसके पहले ये आसान नहीं है बदलना। अब एक बड़ा बढ़िया आपको एक वो सुनाते हैं, बशीर बद्र का एक शेर है, बड़े शौक से मेरा घर जला, बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच तुझ पे ना आएगी, बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच तुझ पे ना आएगी, ये जुबा किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत आज ये सब कुछ खरीदा जा चुका है,
खरीदा जा चुका है जी तंजुम रवीश, ये बाहर क्यों है? हम बाहर क्यों हैं? आप बाहर क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि वो वहां खरीदा जाता है, बेचा जाता है, हमने हमें कबूल नहीं था तो वो बाहर लाजमी हम बाहर रहेंगे, लेकिन बाहर रह के हम बैठेंगे ये तो नहीं मुमकिन है ना। तो ये दूसरा था। अब इस गौर से कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है, कितना बढ़िया कोशिश ये हो रही है, मुझे ताजुब नहीं होगा कि इसी पार्लियामेंट में किसी दिन मंत्री जी ये कहें कि साहब सुप्रीम कोर्ट के जजों की नाक थोड़ा लंबी है ना, इसीलिए देश में गरीबी है। ये हो सकता है किसी दिन आ जाए, उनके ऊपर चारित्रिक आक्षेप लगा दिए जाए, क्योंकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट अंगूठे एक ही संस्था बची हुई है, बाकी तो ये कलम किसी का गुलाम है, ये सारे कलम गुलाम हो गए हैं, लेकिन बची हुई है एक संस्था, उसको भी अंगूठे। और कैसे आएगा? अपॉइंटमेंट अपने हाथ में ले लो, कॉलेजियम सिस्टम एबॉलिश कर दो, बस उसके बाद क्या है? जो नमस्ते सदावत सले मातृभूमि करता है वही जज होगा, वही जज होगा, हमें कोई बात है। नतीजा ये है कि ये बड़े मुद्दे जब तक आप समाज को बताएंगे नहीं कि पैराडॉक्स है क्या, हिमाकत की सुप्रीम कोर्ट को आप कहें कि क्या केसेस लें और आप किसी कप्पन को बंद कर दें, कप्पन जेल में होगा तो वर्षों रहेगा, और जब जमानत दी जाएगी तो क्या, देखिए साहब छोटे छोटे केस आप बताइए, कोई छोटा सा एक अपराधी है उसको ले लिया आपने, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स को पूरा चेंज कर दिया गया। अभी आप ठहरे भी नहीं है वो दीपिका नाम है ना, दीपिका पादुकोण के बिकनी के कलर से नहीं निकले तब तक उन्होंने हलाल मीट और हराम मीट कर दिया, आप देखते रहिए। अब आप पेट पे पत्थर बांधे हलाल हराम करते रहिए, लुम्पेनाइज्ड कर दिया, लंपट बना दिया एक सोसाइटी के एक वर्ग, वो हर के घर पे जाके मटन तलाश रहा है कि गाय का है कि बकरी का है। तो आपने एक लंपटवादी सोच बना दी है, एक समाज को लंपट लंपटता की तरफ ले जा रहे हैं, ताकि वो कभी ये पलट के ना पूछे कि भाई साहब नौकरी का क्या हुआ, बीए किया था हमने, बीएससी किया था, 3 बार अप्लाई किया, कहीं से कुछ नहीं आया, इसको पूछे इसके पहले इसको किसी अखलाक के यहां भेज दो, किसी पहलू खां के यहां भेज दो, किसी तबरेज के यहां भेज दो, सबसे आसान है। तो हमें जब तक वहां कन्विंस नहीं करेंगे तब तक ये चीजें नहीं बदलेंगी। लेकिन एनके सिंह जी, सब तो बिक रहा है, बचा कुचा एक चैनल था जैसे हम लोग देख दिया करते थे एनडीटीवी, वो भी अडानी जी ने खरीद दिया और रवीश ने उनको गोदी सेठ नाम भी दे दिया, कोई टीवी चैनल बचा नहीं है, कोई अखबार बचा नहीं है जहाँ पे आपके जो मुद्दे हैं, जो समाज के मुद्दे हैं वो आए हैं, तो फिर बचेगा क्या? मीडिया जो दिन भर दिखाएगा आम जनता की गलती क्या है, वो तो वही सच मानेगा। वो आज मैं पहली बार देख रहा था एनडीटीवी पे, मुझे अनुराग ठाकुर जी का काफ़ी लंबा इंटरव्यू दिखाई दिया तो मैं समझ गया कि अडानी जी का प्रभाव दिखने लगा वहाँ पे। तो ये उद्योगपति जिस तरह आ रहे हैं अंबानी के चैनल पर, जिस तरह दिन भर नफरत दिखाई जा रही है, अडानी जी ने क्यों खरीदा, मैं बहुत ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं, समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि क्यों खरीदा। केवल एक ही उद्देश्य है कि सारे चैनल अपने होने चाहिए, तो फिर दिखाए क्या, आदमी करे क्या? नहीं, तो हमारे हमारे लिए बिल्कुल आसान है। हम अडानी जी का आप जरा सोचिए, कितने हमें कभी कभी अपने पे अफसोस होता है कि क्या हम पत्रकार कहने लायक हैं भी? हम समाज को वो दे रहे हैं जो मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक मॉरल जिम्मेदारी। आप जरा सोचिए इस अंबानी के बारे में, वॉशिंगटन पोस्ट ने अभी 1 हफ्ते पहले एक बहुत बड़ी रिपोर्ट इसी अडानी के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट के पे जो मेहनत किया है, मुझे ताज्जुब होता है, क्या इंडिया में कोई जर्नलिस्ट नहीं था? मैं क्या कर रहा था? मुझे वो डीप में जाना चाहिए था कि अडानी के इस डील का हुआ क्या है। उसने बताया कि गोड्डा में जो पावर प्लांट लगाया गया है, थर्मल पावर प्लांट अडानी का 1600 मेगावाट का, जो 2015 में मोदी जी गए थे जो नेबर फर्स्ट का दारा दिया था, और वहां पे जाके उन्होंने ये डील इंक की और एमईए के वेबसाइट पे निकला कि साहब मोदी जी ने कहा है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से कि आप पावर जनरेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इन सब के लिए भारतीय व्यापारियों को बुलाइए।
और बड़ी तारीफ हुई थी इसकी। हकीकत जानते हैं क्या है? बांग्लादेश पावर सरप्लस है, 40% एक्स्ट्रा पावर है बांग्लादेश में, उनके अपने पावर प्लांट्स बंद हो रहे हैं। ये मजबूरी में उन्होंने डील किया क्योंकि कुछ दूसरे तरह से सरकार उनको मदद कर रही थी। ये किसी को पता लगा? सर, पब्लिक का पैसा, हमारा पैसा, वो दूसरे डील में जो बाकी डील्स हुए थे जिसके बारे में कहीं कुछ नहीं है, वो पैसा तो चला गया। वो कहा गया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है साहब, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इस यहां दबा के वहां पे दस्तखत कराया गया कि अडानी आपको सप्लाई करेंगे गोड्डा में 16, और जो कोल सप्लाई का रेट था वो काफी सस्ता किया गया अडानी के लिए। एक अफसर ने जब आरोप लगाया, वो किया अपनी रिपोर्ट पे, कहा कि नहीं ये रेट गलत है, इनको इस रेट पे नहीं दिया जाना चाहिए, उसको हटा दिया गया। ये मालूम है आपको? 4 साल से ये हो रहा है, हम जर्नलिस्ट कर क्या रहे हैं? तो जब तक हम ये, आखिर वॉशिंगटन पोस्ट का रिपोर्टर अगर ये कर लेता है तो हम कहां बैठे हैं? हम सिर्फ अवार्ड देते हैं, हम खाली टीवी कैमरा के सामने बैठ के बोलते हैं गलती हमारी है, संजय आपकी है। हमें यह समझना होगा कि ये डीप रिपोर्ट्स हम क्यों नहीं निकाल पा रहे। आज तो अल्लाह के फजल से, भगवान की कृपा से, हमारे पास एक फ्री मीडिया है ना, किसी मालिक के हम मोहताज नहीं है। 5 रुपए के हम नेट पे हम बात अपनी कह सकते हैं। तो आखिर संजय शर्मा को क्यों नहीं अकल आती है बात की? बाकी लोगों को क्यों नहीं आती? एनके सिंह को क्यों नहीं आती? इस बात को जब हम कहेंगे तो जनता मुतासिर होगी धीरे धीरे, लेकिन यह होगी। और तब ये झूठ नहीं चलेगा कि देश तरक्की कर रहा है। आज देश का युवा इतना फॉसिलाइज्ड मानसिकता है, जड़वत बन गया है उसका दिमाग। आप सोचिए कि देश की विकास वो इससे नाप रहा कि साहब भारत बड़ी तरक्की कर रहा, 15 मिनट में ऑनलाइन ऑर्डर करो गरम पिज्जा घर पे आ जाता है, गरम पिज्जा घर पे आता है, इससे भारत का विकास नापा जा रहा है। तो हम कन्विंस नहीं कर पा रहे, हमारी ये दिक्कत है। और हमें करना चाहिए, हम सबको मिलके, अगर अगर उनको हम नहीं कन्विंस कर पा रहे और वो हलाल हराम बिकनी पे कन्विंस कर ले रहे, तो भाई किसकी गलती? हमारी, मेरी गलती है ना? जनता वही है ना, वो मोदी के लिए भी वही है, अमित शाह के लिए भी वही है। अभी अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि मोदी जी ने संस्कृतियों को जोड़ा है। अगले 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि हलाल हराम शुरू हो गया। ये कैसी संस्कृति जोड़ती है, मेरा समझ में नहीं आता कि कहा जाता है संस्कृति जुड़ रही है और अगले दिन हलाल हराम शुरू हो जाता है, बिकनी का रंग शुरू हो जाता है, संस्कृति जुड़ रही है। तो ये हम नहीं कन्विंस कर पा रहे, मुझे इसका एतराज। अब तो मैं अपनी जिंदगी के शाम में हूं, लेकिन मैं जाने के पहले दुनिया से कम एक मलाल रहेगा कि हम वो कन्विंस कर क्यों नहीं पाए, हमारे जर्नलिस्ट बिरादरी वो कन्विंस क्यों नहीं। और इसमें सब आते हैं, आप सवाल इसका नहीं कि आप किसके खिलाफ वो कर रहे हैं। हम जनता को कन्विंस करने के जो टूल्स होते हैं हम वो इंप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, हम चीजों को समझते नहीं उस गहराई से जिससे हम मासेस को कन्विंस कर पाए। जी